गैंग अप करेंगे लोगों के अगेंस्ट। मैं क्या पैरों पे आ जाऊं सबके? भैया बिग बॉस ओटीटी हो या टीवी हो, एंटरटेनमेंट का डोज कहीं भी कम नहीं होता। बिग बॉस के घर वाले अपने कलेश से ऑडियंस का मन भा ही लेते हैं। अब जब कि बिग बॉस ओटीटी 2 का आगाज हो चुका है, तब से लगातार ये शो लाइमलाइट में बना हुआ है। शो में आए नए नए कंटेस्टेंट खुद को शो के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वही कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि आखिर ये शो खेला कैसे जाता है, और इसी शो में अब हैं भट्ट खानदान की बड़ी लाडली यानी कि पूजा भट्ट। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसा चल रहा है पूजा भट्ट की जर्नी बिग बॉस हाउस में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं JVT एंटरटेनमेंट चैनल। पूजा भट्ट जब से शो के अंदर आई हैं, दर्शक लगातार उनके बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि पूजा काफी लंबे समय के बाद इस तरह कैमरा फेस कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो बिग बॉस के ढेरों कैमरे के सामने खुद को ढालने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अभी हाल ही में वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बातें करते हुए भी नजर आई थी। उन्होंने अपने और अपने एक्स हस्बैंड को लेकर भी बात की। वहीं अब पूजा भट्ट का बर्ताव लोगों की नजरों में खटकता हुआ नजर आ रहा है। किसने सोचा होगा कि पुनीत सुपरस्टार के बाहर निकलने के बाद पूजा भट्ट बिग बॉस ओटीटी 2 हाउस के अंदर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कंटेस्टेंट बन जाएंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शो देख रहे दर्शकों का ऐसा मानना है। अब गुरुवार रात के एपिसोड में पूजा भट्ट ने मनीषा रानी को जैद हदीद के बीच हुई गलतफहमी को दूर करने का काम किया। वहीं पलक और जिया की खिंचाई करते हुए भी अपनी नई दोस्त मनीषा की तारीफ करते हुए नजर आई। उनका कहना था कि मनीषा उन दोनों की तुलना में कहीं अधिक मैच्योर हैं, क्योंकि वो बिहार के एक छोटे शहर से हैं। और रही बात बेबिका की, तो वो पहले ही एक अच्छी दोस्त साबित हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि ऐसा मानना हमारा नहीं है, बल्कि ऐसा शो देख रहे दर्शकों का मानना है। वैसे ये सब देख के शुरुआत में पलक दंग रह जाती हैं। जब पलक अपने बचाव में बात करती हैं तो पूजा उन्हें बार बार चुप करा देती हैं। इससे पहले एपिसोड में पूजा ने पलक के साथ भी यही बात करने की कोशिश की, जबकि पलक ने हार मान ली थी और उनकी बात सुनी। हालांकि इस बार पलक ने जवाब देने का फैसला किया। पलक विनम्रता और शांति के साथ पूजा से बात करती हैं, लेकिन पूजा मनीषा को उनसे ऊपर रखती हुई नजर आती हैं। पूजा भट्ट का ये बर्ताव अब उनके फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। वेल, आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस शो में। और भी ऐसे वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए JVT एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।